देखिए आज व्रत में नवरात्रों में हम आपको आलू का हलवा बनाकर दिखाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है और ये आप मिनटों में बना सकते हैं इस हलवे को। हम नवरात्रों में हर रोज नई नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर कंसल रसोई में, तो आप नवरात्रों की हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज हमने आपको आलू का हलवा बनाकर दिखाया है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए कितना टेस्टी हलवा है ये हमारा, देखिए मुँह में जाते ही घुल जाएगा। आप सबको इस तरह से बनाकर खिलाएं और देखिए हमारी रेसिपी किस तरह से बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रों में आपके लिए आलू का हलवा बनाकर दिखाएंगे, जो बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे बहुत झटपट बना सकते हैं। देखिए हमने आलू ले लिए हैं, इन आलू को हमने उबाल लिया है, उबाल कर हमने ठंडा कर लिया है। अब इन आलू को हम छीलेंगे, देखिए इस तरह से हम आलू को छीलेंगे। सभी आलू को हम छील लेंगे, देखिए सभी आलू को हमने अच्छे से छील लिया है, बहुत आसानी से आलू छील गए हमारे। हम देखिए इस तरह का ग्रेटर लेंगे, बिल्कुल बारीक वाला, मोटे वाला नहीं लेंगे, और इससे हम इस तरह से कस लेंगे आलू को। देखिए इस तरह से कितना बारीक आ रहा है, इस तरह सभी आलू को हम कद्दूकस करेंगे। कितने अच्छे से हमारे आलू कद्दूकस हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल बारीक बारीक, इस तरह सभी आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, हम आगे की तैयारी करते हैं। देखिए हमने बर्तन रख दिया है गैस पे, हमने इसमें आधा चम्मच घी डाल दिया है देसी, इसमें अपने ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट करेंगे। देखिए हमने ये काजू ले लिए हैं और ये हमने बादाम ले लिए हैं, इनको हमने कट कर लिया है, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इनका कच्चापन खत्म हो जाएगा। आप ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। आज बादाम हमने रोस्ट हो गए हैं, हमें निकाल लेंगे प्लेट में। हल्के हल्के देखिए हमारा मावा है आधी कटोरी, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और इसमें अपने आलू डाल देंगे, इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें मावे में खुद घी हो रहा है। हम अच्छे से चलाएंगे, इसे 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से आलू को भूनेंगे, जिससे आलू हमारे अच्छे से गुलाबी हो जाएंगे। ये हम मीडियम आंच पर भून रहे हैं, जितना आप आलू को भूनोगे उतना आलू का हलवा अच्छा बनेगा आपका। भूनते 5 मिनट हो गए हैं, देखिए आलू का कलर बदल गया है, भुनते भुनते लाल हो गया है। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे, देखिए चीनी को मिलाएंगे आलू में, देखिए कितनी खुशबू आ रही है। देखिए इसमें इलायची डालेंगे, ये हमने कूट ली है, इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इस तरह से लगातार चलाएंगे, चीनी हमारी घुल जाएगी आलू के साथ। देखिए कितने अच्छे से घुल गई है, कलर देखिए कितना अच्छा आ गया हलवे का। दो 3 मिनट लगातार हम भूनते रहेंगे चलाते चलाते, जो चीनी हमारी आलू में एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से, और देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। इस तरह से हम भूनते रहेंगे 3 मिनट तक, देखिए कितने अच्छे से हमारी चीनी भी आलू में मिक्स हो गई है, देखिए कितना टाइट हलवा हो गया है। देखिए हमारी कढ़ाई ने हलवे को छोड़ दिया है, देखिए हमने एक कटोरी दूध ले लिया है और इसमें हमने हल्का सा फ्रूट कलर मिलाया है 1 पिंच, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, अगर आप खाते हैं, नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए इसके हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके अंदर, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं।
देखिए कितना अच्छा से लगा गया हमारे हलवे का। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कितना मैसी हो गया हलवा भी। देखिए हमने सब लोग डाल दिया है ऐसे, जब तक पकाएंगे जब तक दूध के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने का और हलवा टाइट नहीं होने का। देखिए कितना अच्छा कलर आया हलवे का हमारे। यह हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, आप किसी व्रत में बनाकर खा सकते हैं इसको। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो इस तरह से हलवे को बनाएं और खाएं। ये 5 मिनट अभी और पकाएंगे हम हलवे को। पकते पकते हमारे हलवे ने घी छोड़ दिया है। देखिए कितने अच्छे से पक गया है। देखिए कढ़ाई ने छोड़ दिया हलवा हमारा, कितना टेस्टी हलवा बनके तैयार हो गया। कलर भी कितना अच्छा आ गया है। आप इसे इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दूध ना डालें तो आपका टाइट बन जाएगा। और चीनी आप अगर 250 ग्राम आलू हैं तो आप 200 ग्राम चीनी इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसमें आप ड्राई फ्रूट डालेंगे, गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। आपको अच्छा लगा है तो इस तरह से बनाए हलवा हमारे तरीके से, आप अपनी फैमिली को खिलाएं। हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए कितना टेस्टी हमारा आलू का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आपको अच्छा लगा है तो आप ट्राई करें इस तरह से और सबको बनाकर खिलाएं। सब बड़े शौक से खाएंगे इस हलवे को। अगर आपने पहले नहीं कभी बनाया है तो हमारे तरीके से बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। और हमारे रेसिपी को आप शेयर, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नई नई हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।